प्रॉमिस कि मैं जब तक यहाँ हूँ मैं खुश पांटी को और तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगी। कभी तुम्हारे नाजुक कंधों का बोझ बनने का कोई शौक नहीं। एक बार हमारी नसबंदी पलटने का ऑपरेशन हो जाए फिर आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते पति पत्नी के ड्रोन करने से मुक्त हो जाएंगे। आप छह महीनों में मैं कुछ ना कुछ इंतजाम तो कर ही लूंगी। अखिलेश क्या तुम अभी भी मुझसे उतनी नफरत करते हो? वैसे आज वैलेंटाइंस डे है तो क्यों ना हम अपने रिश्ते की नई शुरुआत करें, इसे एक नया नाम दें, दोस्ती का नाम। तुम दोस्ती करोगे मुझसे? हम तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहते थे। ये चेन दिखा है, ये आपके लिए। हमारे पिताजी ने हमें भेजा और आज हम ये आपको सौंपना चाहते हैं। पर अखिलेश हम रियल लाइफ के कपल थोड़ी है जो तुम मुझे ये भेज दे रहे हो। फिर से धारणा बना लिया आपने? अरे ये वैलेंटाइन दिवस का तोहफा नहीं है हीरा जी, बल्कि हमारी अम्मा और हमारे लिए कुछ आप कुछ कर रही है उनके लिए। हम जानते थे कि अम्मा हम दोनों के बीच के ये झूठे रिश्ते को असली करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयां आपकी जिंदगी में डाल गई। अम्मा को तो यही लगता है कि हम दोनों एक सच्चे जीवन साथी है हीरा जी। लेकिन इस झूठी कहानी में हमारे साथी बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो सारे पीछे पड़े मेरे कि मेरा मतलब चक्कर क्या है, क्या चल रहा है। देवी ना तो इतना शक करती है मुझ पे, तो वो तो कुछ ना कुछ दरारें डालती रहती है मुझे। हरे हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंज होता है मेरे सामने, तो मैं बस वही जो भी मेरी मोटी माँ कहे मैं भाई बस वही किए जा रही हूँ। अभी आगे क्या होगा? शायद हमारे बीच सब कुछ एटलीस्ट एक वो जो अनबन होती थी हमेशा, तो वो शायद कम हो जाए, शायद।